राइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और जब जो भी आप अभी ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से डायरेक्टली आपको सुनने को पड़ रही है। आप इसे अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। देखते हैं ये माइक्रोफोन हमारे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ। दिस इज रेड कलर, माई टी शर्ट इज ब्लैक, माई माइक्रोफोन इज ऑल्सो ब्लैक, माई लोअर इज ऑल्सो ब्लैक। आप सोच रहे होंगे क्या बेहुदा सी बातें कर रहा है भाई। लोगों ने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना माइक्रोफोन रिप्लेस करके एक कलरफुल सा माइक्रोफोन लेके आ जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बेस्ट USB कलरफुल माइक्रोफोन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग के साथ। जल्दी से ओपन करते हैं, फाड़ते इसे। तो हमारे पास है फाइव फाइन ब्रांड का एम्पली गेम। जैसा कि आप देख सकते हो इस माइक्रोफोन का जो मॉडल नंबर है वो है A6V। आप जैसा देख सकते हो, इसे जल्दी से ओपन करते हो और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलता है एम्पली गेम का एक यूज़र गाइड, जो हमें से कोई कभी पढ़ता नहीं है। इतना बड़ा इन्होंने यूज़र गाइड दे दिया। इसे रखते हैं हम साइड में। इसका एक कवर, ये भी साइड में रखते हैं। देन सबसे पहले आपको मिलता है ये माइक्रोफोन। माइक्रोफोन काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मैं आपको बताऊँ 100-200 ग्राम से भी कम का होगा। और साथ में आपको मिलता है ये एक पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं हमारे जो पॉप होते हैं फा फा ऐसे कोई हवा जो मतलब दबाव सा पड़ता है हमारे माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग में, वो ये फिल्टर आउट कर देता है, जो ये एक पॉप फिल्टर लगा होता है। वैसे 200-300 रुपये का मिल जाता है, बट इस माइक्रोफोन के साथ हमें फ्री में मिल रहा है। इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है। और जब आप इसे टक्की आवाज आती है जब आप इसे यहाँ पर प्लेस करते हो। साथ में आपको मिलता है शॉक माउंट और ये साथ में आई थिंक जुड़ा हुआ है। और इसके नीचे आपको ये एक नॉब मिलती है, मैंने इंटरनेट में पढ़ा था ये नॉब मिलती है। इससे आप अपना जो वॉल्यूम लेवल है, गेन लेवल है, वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और साथ में आपको मिलता है ये कनेक्टर, सो दैट आप इसे ट्राईपोड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसे कनेक्ट कैसे करना है, साथ में आपको मिलती है ये एक USB जो है आई थिंक यस टाइप ए नॉर्मल सी USB होती है, और साथ में मिलती है टाइप सी। इसे शायद मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर लूँगा, काफ़ी लंबी है, लेंथ में होगी है आई थिंक 3-4 मीटर की तो होगी। चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। और हमें बॉक्स में मिलता है, ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा भारी है ये, तो ये 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, और आई थिंक ये 0.5 किलो से ज़्यादा का है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बिल्ड क्वालिटी सो अमेजिंग, मेटल का है ये, कोई प्लास्टिक का नहीं है, बहुत ज़ोर से लगता है। तो इसे प्लेस करना, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमेशा माइक्रोफोन का। इसे हम यहाँ पर जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं, हार्ड टाइट कर देते हैं। ऑल राइट, चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसे पहले बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। सो ये है हमारा फाइव फाइन ब्रांड का A6V माइक्रोफोन, जिसे एम्पली गेम के नाम से भी जाना जाता है। सो आप इसे अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका पर्पस है सिंगिंग, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा। एक USB माइक्रोफोन आपको कभी भी सिंगिंग पर्पस इसके लिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पर्पस है कवर सॉन्ग्स या फिर आप शौक के लिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह गाना गाना चाहते हो, तो आप इसे माइक्रोफोन को ले सकते हो। बट प्रॉपर एक प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल माइक्रोफोन नहीं है। ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, पोलर पैटर्न के साथ आता है, मतलब कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे सामने से रिकॉर्ड होगा, मतलब ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, मतलब कि अगर मैं पीछे से कुछ रिकॉर्ड करूंगा ये रिकॉर्ड नहीं होगा। बट वो मैं आपको ऑडियो टेस्ट में दिखाऊंगा आगे। चलिए इसे जल्दी से कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ और जानेंगे कि क्या इस माइक्रोफोन को हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या नहीं, वो भी जानेंगे। पहले अपने लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सो ये माइक्रोफोन बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आपको सीधा ये टाइप सी अपना यहाँ पर कनेक्ट करना है माइक्रोफोन के बिल्कुल पीछे। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे और यहाँ पर टिक की आवाज़ आती है। और ये जो USB टाइप ए है वो आपको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ। ऑल राइट, लैपटॉप में कनेक्ट होते ही यहाँ पर RGB लाइट्स चलने लग गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। गेमिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, स्ट्रीम करना होता है ना साथ में, तो लाइटिंग हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए कुछ रिकॉर्ड करके मैं आपको इसके सैंपल्स सुनाता हूँ। Audacity में करेंगे, अगर आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हो तो आपको मालूम होगा Audacity कैसे यूज़ करना है। उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे Audacity में रिकॉर्डिंग करनी है। ऊपर लिंक दे दूंगा अगर आप देखना चाहो। तो चलिए Audacity हमने ओपन कर दिया है और यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है माइक्रोफोन फाइव फाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। फाइव फाइन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फाइन फाइन बोलते हैं। ऑलराइट,
तो कुछ सैंपल मैं आपको रिकॉर्ड करके सुना देता हूँ। चलिए जल्दी से करते रिकॉर्डिंग को हम स्टार्ट। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और जब जो भी आप अभी ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से डायरेक्टली आपको सुनने को पड़ रही है। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम मैं लेवल इंक्रीज करता हूँ। वॉल्यूम लेवल फुल था, अभी मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो वॉल्यूम लेवल है वो कम हो रही है धीरे धीरे। ऑलराइट, चेक वन टू, चेक वन टू। और मैं अब इंक्रीज़ करूँगा, और जब मैं कुछ तेज़ बोलूँगा जैसा आप देख रहे होगी आपको फटी फटी आवाज़ सुन रही होगी। ये देखिए हमारे जो सिग्नल है वो क्लिप कर रहे हैं रेड रेड यहाँ पर, अगर आपको देखने को मिलता है तो मतलब कि हमारी जो वॉल्यूम लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो गेन को हम थोड़ा कम करेंगे यहाँ से। अगर आप अपने लेफ्ट क्लॉक वाइज लेफ्ट अगर इसे घुमाओगे तो ये हमारी गेन लेवल कम होती रहेगी। आप जैसा देख रहे हो वॉल्यूम लेवल हमारा कम हो रहा है। तो अभी हम इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हो वो डायरेक्टली इसमें से सुन रहा है। अगर मैं इसको पीछे से बोलूँगा कुछ, आप ध्यान से सुनना, आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो वैसी आपको साउंड सुनने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट पोलर पैटर्न कंडेंसर माइक्रोफोन है। जो भी हम बोलते हैं वो सामने से रिकॉर्ड होता है। यहाँ से अगर मैं कुछ बोलूँगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। वो अगर वहाँ से मतलब मेरे सामने से कुछ बोलेगा वो इसमें वो वाली क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होगी जो मेरी क्वालिटी आपको सुनने को पड़ रही है अभी। ऑलराइट, तो इसे अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और देखते हैं ये माइक्रोफोन हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं। मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कर रहा हूँ। टाइप सी उसमें कनेक्टर है, उसे कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये माइक्रोफोन हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकता है। वैसे मैंने अपने काफ़ी माइक्रोफोन को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया था। उसके लिए हमें चाहिए होता है ये टाइप ए, यहाँ पर इंसर्ट होता है टाइप ए, और यहाँ पर हमारा होता है टाइप सी। आप जैसा देख सकते हो इसे मैं इंसर्ट करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर और देखेंगे कि क्या हमारा ये माइक्रोफोन इसके साथ कनेक्ट होता है। चलिए मैं आपके सामने करता हूँ। राइट, क्या बात है, इसमें कनेक्ट हो गया है। और आप ज़्यादा देख सकते हो इसमें आरजीबी लाइट भी जलनी शुरू हो गया, मतलब कि हमारा ये जो माइक्रोफोन है रिस्पांस दे रहा है मोबाइल फ़ोन के साथ। अगर आपको सुनने को मिल रहा है कुछ मुझे बताना कि इसकी साउंड क्वालिटी लैपटॉप और मोबाइल के मतलब कनेक्टिंग करने के बाद कुछ डिफरेंस है या नहीं। मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ इसे, वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, और आप मुझे बताना कि ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी सुनने को मिल रही है। और एक फंक्शन मैं आपको बताना भूल गया इसे, अगर आपको म्यूट करना है रिकॉर्डिंग होते होते अगर इसे म्यूट करना है तो क्लिक करोगे। ऐसे म्यूट हो गया था, आपको मेरी कुछ आवाज़ सुन नहीं रही होगी। अगर आपको म्यूट करना है मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से म्यूट करके। मैं कुछ बोल रहा हूँ बीच में चलते चलते हमारी आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी ऐसे। मैं चीख रहा था तब भी मेरी वो आवाज़ यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो ये था म्यूट का फंक्शन। आई थिंक जो ऑडियो क्वालिटी है माइक्रोफोन की वो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में सेम आ रही होगी। बाद में मैं आउटपुट सुनूंगा और मुझे आप कमेंट में बताना कि कैसी आपको ऑडियो क्वालिटी लग रही है। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप जानना चाहते होंगे कि इस माइक्रोफोन की कीमत क्या है। अप्रॉक्स 3300 रुपीस का आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अब जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से ही डायरेक्ट आ रही है, इस माइक्रोफोन से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जो भी आप सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रहा है। और अब मैं बन चुका हूँ एक कमेंटेटर, आप जो भी सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रहा है। माइक का नाम है फाइन फाइन A6V एम्पली गेम के नाम से भी जाना जाता है, मेरे वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कैंपस इमो, पीस आउट।